एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। कर्मचारियों को मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, 4% बड़ा कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता। मंत्री परिषद ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 4% बड़ा कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता। प्रदेश में बैकलॉग के 10,000 पद भरे जाएंगे। स्वदेश समाचार भोपाल। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता दर में 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य शासन के 6वें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के 4थे व 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने को स्वीकृति दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले ऋण को भरने के समय को 1 महीने बढ़ा दिया है। राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को 1 साल के लिए 0% पर लोन दिया जाता है। इसके कालातीत होने पर किसानों के ऋण लेने की दक्षता समाप्त। 7 दिन में निपटेंगे किसानों के लंबित प्रकरण। मंत्री परिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्व महाअभियान 2.0 का शुभारंभ किया। The 31st of August तक चलने वाले इस महाअभियान में The 30th of June 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नामांतरण के 75,964, बंटवारा के 9,897, अभिलेख दुरुस्ती के 9,889 और सीमांकन के 25,423 प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। वो जाती थी, इसलिए सरकार ने रिश्ता की राशि जमा करने के लिए 1 महीने की वृद्धि की है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। 1 साल में भरे जाएंगे 10,000 बैकलॉग पद। राज्य सरकार ने प्रदेश में खाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने 1 साल के समय में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में 17,000 बैकलॉग पदों में से अभी 7,000 पदों को ही भरा गया है। अभी 10,000 पद खाली हैं। इनको भरने के लिए 1 साल की समय सीमा बढ़ाई गई है। रामसर साइट प्रबंधन के लिए 61 करोड़ स्वीकृत। मध्य प्रदेश की 4 वेटलैंड साइट में से इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की परियोजना पर खर्च 40% राशि राज्य सरकार के वहन करने के प्रस्ताव को सहमति दी गई है। सिरपुर रासर साइट पर बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं। इस पर सरकार 61 करोड़ रुपये